नहीं, ये देखिए कि ये मीटिंग्स तो हर रोज चलती रहेंगी। मेरा काम ही है कि वर्कर्स को मिलना, जो आज नहीं जब भी मैं आऊँगा हर रोज ऐसी ही मीटिंग्स चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन है और हम इलेक्शन बोर्ड में हैं। और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा, 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूँ और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स के क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराजगी है, वो सब बैठकर उनकी मैं। सर, आज आपने एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं से बातचीत की, कोई खास मकसद? नहीं, आप तो देखें कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं, तो एसटी ओबीसी हर जो है उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे को सुबह जाट भी मिले थे, वो भी सभी मिलकर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, अगर मेरे ख्याल आप तो यही देख के रहे होंगे कि ये कौन गया है, कैसा गया है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। सर, आगे क्या रहेगा फीडबैक कल की? मंत्रियों ने ज्यादातर मुलाकात की सर आपसे? देखिए, मंत्रियों के मंत्रियों का जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो उन्होंने कहा कि क्या क्या कहाँ कमियाँ हैं, वो उन्होंने डिस्कशन की। मेरा ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स तो होनी चाहिए और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि मंत्री खुलकर बात कर रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है, उसमें क्या हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, कहाँ हमारी जो नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं चल रहे, वो सारी। सर, रात मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, ईडी का कार्रवाई का किस तरह जवाब देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, ईडी का ना हमें कोई डर है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो वो वहाँ इनका है कि कर्नाटका में जिस ह्यूमिलेशन से वो बीजेपी हारी है, उनका हमेशा ही वो जो हमारे वहाँ के डिप्टी सीएम हैं उनको पकड़ कर अंदर कर दिया था, फिर भी वहाँ के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया। आप इनका ईडी सीबीआई या कोई इनकम टैक्स लोगों के ऊपर इतना नहीं है, क्योंकि उनको यही है कि ये बीजेपी आर्म ट्विस्ट करती है, लोगों को डराती है और उसके बाद कोई नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब कोल स्कैम आया और स्कैम आए, किसी स्कैम में भी इन्होंने किसी को भी सजा हुई, सभी बरी होकर के, तो इनका जो है इसका डटकर हम मुकाबला करके हम डरते नहीं। एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन का दायरा आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? मंत्री ने मांग करी कि ऐसा होना चाहिए, आपके साथ ही बैठे ओबीसी का मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे। और कल सीएम को रंधावा जी, कितने सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, टिकटों का क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप कह रहे हैं जो जीतेगा वही होगा, लेकिन आखिरी टाइम सिफारसी तंत्र हावी हो जाता है? देखिए, सिफारसी तंत्र तब आएगा, आपने देखा होगा कि कर्नाटका में सिफारसी तंत्र नहीं आया, हिमाचल प्रदेश में नहीं आया, राजस्थान में भी नहीं आएगा। यानी सरदार जी असरदार हैं? नहीं, सरदार जी सरदार मनमोहन सिंह जी भी असरदार थे, तो सरदार नहीं, कोई भी कांग्रेसी है वो असरदार ही है, चाहे छोटा वर्कर है चाहे बड़ा वर्कर है, वर्कर कांग्रेस का असरदार है और जो जीतने वाला है वो सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। सरदार जी, आप पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने आज आपसे मुलाकात की है, काफी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे, कौन? भरत सिंह। भरत सिंह जी देखिए पुराने कांग्रेसी हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मेरे ख्याल बार आपके साथ में राजगी करके गए होंगे, मेरे साथ अंदर तो बिल्कुल नहीं की, तो मैंने मेरे साथ बैठे भी हैं, पहले अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, बाद में मेरे साथ बैठे, कल मेरे साथ बात भी टेलीफोन पर हुई, मैंने कहा सुबह आ जाना, तो जब भाई मैं मिला। विधायकों की कार्यशाला भी इस महीने प्रस्तावित है? मुझे विधायकों की और सभी की कार्यशाला बिल्कुल लगनी चाहिए और उनको उनकी फीडबैक लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनसे भी जो कैंडिडेट थे हमारे में उनको भी मिलने दोबारा, पहले भी मिला हूँ अब दोबारा मिल रहा हूँ, जो एमपी कैंडिडेट्स थे उनको भी दोबारा मिल रहा हूँ। तो भरत सिंह जी ने ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा जो नेता, तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं, जो जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक 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 माइलस्टोन जो है माइलस्टोन आप बनना चाहिए। सर, टिकटों में भी लागू होगा उम्र का 70? देखिए ब्रेक जो कट आउट ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती, हम एक हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो
यंग हैं उनको हम हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते हैं। तो क्या कास्ट सेंसस भी करा सकते हैं सर? अभी देखते हैं, कल मैं कल जल्द एक दो दिन में बात करूंगा इसके ऊपर। बहुत देखिए बड़ा सेंसिटिव ये है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से बात करनी होगी। उल्टाना पड़ जाए नहीं, उल्टा तो नहीं रखल पड़ेगा। जो कांग्रेस के है उनको, मैं भी नया हूँ तो उसकी सारी चर्चा करेंगे कि जो उदयपुर में क्या हुआ, यहाँ क्या चाहते हैं, इनके सब डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। अंदाज़ साहब, आपने अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटो में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप भी अप्लाई कर देंगे आपको? नहीं सर, जैसे बीजेपी लागू करती है 75+ को टिकट नहीं, 75-80+ को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, जो जीता हुआ वही, हाँ जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बड़े बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ? सर दो बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ उनके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे, वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम ये जो बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं।